नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो फिर से सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे, करंट एनर्जीज देखेंगे, ये इंसान की सच्चाई क्या है, आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या हैं, आपके लिए मैसेज और एडवाइस भी देखेंगे। जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो डू कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, ओरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को लेके अगर आपको कोई डाउट्स हैं, क्लैरिटी चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल टैरो रीडिंग। उसके जो डिटेल्स, ये ऊपर मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करें और उसी से जो है मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूंगी। ऑल राइट, सिट बैक, रिलैक्स, लेट्स गेट इन टू द रीडिंग। आर्क एंजल माइकल, गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड डिवाइन, गिव मी मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय व्यूअर्स। इनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो राइट नाउ आपके लिए और रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं। शॉकिंग है यहाँ पे, टर्मोइल, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड। राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण थोड़ा सा एक ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे आपको लगता हुआ कि अरे बाप रे, ये एकदम से क्या हो गया है। रियलाइजेशन है यहाँ पे, केमिस्ट्री है यहाँ पे, एंड वी हैव होपलेसनेस। ऑल राइट, सिमिलर एनर्जीज हैं, उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। इवन तो आप ब्रेक पे नहीं है, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, हुआ होगा, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। आप कुछ बोलते हैं, वो कुछ और समझते हैं, वो कुछ बोलते हैं और आप उसका कुछ और मतलब निकालते हैं। तो एक होपलेसनेस की एनर्जी है कि हे भगवान, करे तो क्या करें। देर इज अ फीलिंग ऑफ बी मिसअंडरस्टूड। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आप दोनों में मुझे यहाँ पे काफी दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू ऑल, अचानक से एक कुछ ऐसा चीज आपने सुनी होगी, आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ समझा होगा, जिसके कारण आपको लगता होगा कि यार मेरा पार्टनर ऐसा भी हो सकता है, उनकी सोच ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसा बिहेव कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू ऑल, एक ऐसी एनर्जी है कि आपने एकदम से कुछ रियलाइज किया है आपके पार्टनर के बारे में या उनके लाइफ में के बारे में, जिसके कारण आपको थोड़ा सा शॉक हुआ है। नन द लेस, देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बिटवीन यू ऑल। एक केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, एक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, एक स्पार्क, एक पैशन है आप दोनों के बीच में, जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे लगता होगा कि क्या है कि मैं ये इंसान को भूल नहीं पा रही हूँ, या क्या है कि बार बार मुझे ये इंसान की याद आ रही है, या क्या है कि ऐसा क्यों है कि झगड़ा होके भी, मिसअंडरस्टैंडिंग होके भी, पता होके भी कि ये इंसान गलत है, मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। तो राइट नाउ जो है एनर्जी ऐसी ही है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें जो हैं आपने आपके पार्टनर के बारे में सुनी है, समझी है, देखी है, और उसके कारण जो है थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये सही इंसान है या नहीं। विल दिस पर्सन वॉक द टॉक, जो ये बोल रहे हैं ये करेंगे क्या। अगर आपने उनके बारे में कुछ चीजें सुनी है तो आपको यू आर कंफ्यूज कि ऐसे इंसान के साथ जिनका बर्ताव ऐसा है या जिन्होंने ऐसा कुछ किया है, उनके साथ मुझे रहना चाहिए है या नहीं। टैरो से देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनकी जो है आपके लिए करंट एनर्जीज क्या है। द एम्परर है, द वर्ल्ड है, फोर ऑफ पेंटिकल्स है एंड द मैजिशियन है। थोड़ी सी मैनिपुलेशन की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है। उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आप तंग आ चुके हो, बिकॉज आपको लगता है कि सारा कंट्रोल जो है रिलेशनशिप का आपके पार्टनर के हाथ में है। जब एम्प्रेस की एनर्जी आती है, अगर ये इंसान आपसे उम्र में बड़े नहीं है तो फॉर सम ऑफ यू ऑल मैरिड हो सकते हैं। ऐसे इंसान है जिनकी शादी एक बहुत यंग एज में हुई थी। ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, लोगों अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग समझते हैं कि बहुत सारे लोग इनकी तरफ आते होंगे इनकी मदद के लिए, इनकी एडवाइस के लिए, इनकी सलाह के लिए। आप लोगों का रिलेशनशिप जो है, ये इंसान इंसान जब आपको टाइम देते हैं, केमिस्ट्री आया था, ये इंसान जो है
एम्परर की एनर्जी जब आती है तो थोड़ी सी लस्ट बेस्ड फिजिकल इंटीमेसी सेक्सुअल कनेक्शन में ज़्यादा ये इंसान इन्वॉल्व होते हैं। ये इंसान का प्यार दिखाने का ढंग फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है। ये इंसान ऐसे हैं जो बहुत रेयरली किसी का सुनते हैं। कब मिलना है ये डिसाइड करेंगे, कहाँ मिलना है ये डिसाइड करेंगे। ये इंसान ऐसे हैं कि वो एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे उनको लगता है कि आई नो, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ हम दोनों के लिए क्या बेस्ट है और वैसे ही होगा। ये इंसान की करंट एनर्जी क्या है, आप पे आके ये इंसान रुक गए हैं। जब वर्ल्ड की एनर्जी आती है तो इट इज एन एनर्जी ऑफ कंप्लीशन, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी है। एंड देन वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पोजेसिव है। अगर आपको दिखाते भी नहीं होंगे तो इन्होंने कुछ ना कुछ अपने ढंग अपनाए हैं जहाँ पे ये आप पे पूरी तरह कड़ी नजर रखते होंगे। दिस पर्सन, ये इंसान जो है ये डेफिनेटली बहुत कंट्रोलिंग है आपके लिए, पोजेसिव है। अपने ढंग से जो है आपको बहुत प्रोटेक्टेड रखते होंगे, या कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, ये सब में जो है ये इंसान का बहुत ज्यादा आप में एनर्जी होगी। इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपको रखना है कंट्रोल करके, उनके पास रखना है, आप किसी और की नहीं हो सकती। मैजिशियन की जब ओवरऑल एनर्जी वर्ल्ड की एनर्जी है, फॉर सम ऑफ योर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप ये इंसान को इंटरनेट सोशल मीडिया पे मिले होंगे। ये इंसान का जॉब ऐसा होगा कि ये ट्रैवल बहुत कर रहे होंगे। फॉर सम ऑफ योर आप या आपके पार्टनर थोड़े से वेट में हैवी हो सकते हैं। वर्ल्ड का कार्ड ऑल्सो सिग्निफाइज कि थोड़ा सा या तो आपका फेस राउंड राउंड गोलू मोलू होगा, या वेट आपको ऐसे लगता होगा कि आपका वेट ज्यादा है, आपको वेट कम करना है, वो वाली एनर्जी है। लेकिन ये इंसान कि आपके लिए राइट नाउ फीलिंग्स क्या है, मैंने सब देख चुका हूँ, मैंने सब कर लिया है, अब राइट नाउ मेरी सुई जो है आप पे आके अटकी है एंड आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं हैप्पी हूँ और ये रिश्ते में जो है मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। जब मैजिशियन की एनर्जी आती है तो अगेन इट इज द एनर्जी ऑफ समवन जो हर एक पैंतरा आजमाएंगे आपको उनके लाइफ में रखने के लिए। आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये इंसान कंसिस्टेंट नहीं है, ये इंसान रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं बोलता है, मिलते हैं बात करते हैं फिजिकल इंटीमेसी होती है और फिर ये इंसान गायब हो जाते हैं। एंड मे बी आपको लगता है कि ये इंटरेस्ट खो चुके हैं, लेकिन नहीं, ये इंसान ही ऐसे बने हैं कि ये बहुत आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो सकते हैं लेकिन आपके बारे में ये भूलते नहीं है। एंड देन वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स, वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी, पास्ट लाइफ कनेक्शन, बचपन में एक दूसरे को आप जानते होंगे। अगेन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अगर आप ऑन अ ब्रेक हैं तो ये इंसान आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। अगर आप दोनों ब्रेक पे नहीं हैं तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको काफ़ी मिस करते हैं। एक यूनियन की एनर्जी है, एक सोल कनेक्शन की एनर्जी है। एंड दैट इज़ वाई आई फील जो फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके इंसान जो हैं आपको उन्होंने ऐसे बताया होगा कि वो प्यार लव रोमांस में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। उन्होंने आपको बोला होगा कि मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि मैं आपके लिए क्या फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं आपको मेरे एक्शंस में बताऊंगा मैं क्या फील कर रहा हूँ या नहीं, बिकॉज मैजिशियन का कार्ड जो है इट इज ऑल अबाउट एक्शंस। एंड अगेन फॉर सम ऑफ यू, और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनकी फी वो जानते हैं कि वो एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। आपको कुछ आपके साथ वो अलग हैं और किसी और के साथ वो अलग है। ये इंसान ने आपको कहा होगा कि जिस ढंग से आप उनको समझते हैं कोई और उनको नहीं समझता। और आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपने ये इंसान को बहुत ये इंसान का बहुत ये इंसान से बहुत सहा है, इन द सेंस कि आपने जो है इनको वो एम्परर वाली एनर्जी में आने दिया है। आप बहुत पेशेंट हैं, आप बहुत एक्सेप्टिंग है। आज मिलो तो आप हाँ बोल देते हैं, कल नहीं मिलेंगे तो आप हाँ बोल देते हैं। तो आपने जो है इनको अपनी पेशेंस, आपने इनके साथ इतना जो पेशेंस रखा है और इतना जो अनकंडीशनल आपने इनको प्यार दिया है, ये आपके पार्टनर जो हैं वो ये भूले नहीं हैं, उनको ये पता है। और अगेन विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स हियर, अगर ये आपको शब्दों में नहीं व्यक्त करते हैं तो भी ये इंसान कुछ ना कुछ
आप दोनों की सिक्योरिटी के लिए, आप दोनों के फ्यूचर के लिए जरूर सोच रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कुछ पैसे साइड पे रखे हुए हैं, या इनके दिमाग में राइट नाउ कुछ ना कुछ चल रहा है कि मुझे आपके लिए, मैंने आपके पार्टनर को आपके लिए कुछ ऐसा करना है एक्शन के तौर पे, जहाँ पे आपको बिलीव हो कि नहीं ये इंसान जो है मेरे से सच में प्यार करते हैं। तो इनकी एनर्जी जो है आपके लिए काफी पॉजिटिव है। यस, थोड़ी सी कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जी है। आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि मे बी दिस ये इंसान सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपके साथ है, लेकिन यस ऐसा है, लेकिन आपसे ये इंसान प्यार भी करते हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके आपके लिए इरादे क्या हैं? द हाई प्रीस्टेस, द एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, डबल एरीज है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आया है, एंड देन वी हैव पाइसीज। ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या है? थर्ड पार्टी काफी स्ट्रांग है, या ये इंसान सोसाइटी में आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे? ये थोड़ा सा एक हिडन रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है राइट नाउ। और अगर आप ऑलरेडी ये इंसान से मैरिड है तो भी बहुत ओपनली अपने पेरेंट्स के डर से या बाकी के लोगों के डर से ये इंसान ओपनली जो है आपको बहुत ज्यादा प्यार नहीं शो करते हैं। ये इंसान के आपके लिए इरादे बहुत स्ट्रांग है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की जब एनर्जी आती है तो एक हस्बैंड वाली एनर्जी आती है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इंसान जो है आपको कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी जरूर देगा। ये इंसान हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान के इरादे आपके लिए क्या है? भले छुप के, सारी दुनिया के सामने नहीं आके, दुनिया से छुप के जो है ये इंसान आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये इंसान जो है डेफिनेटली मुझसे प्यार करते हैं। स्टेबिलिटी यहाँ पे ये इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ज्यादा इमोशनल नहीं है, उनका प्यार करने का ढंग फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है या आपको सिक्योर करना, आपको सेफ रखना। फॉर सम ऑफ यू ऑल, ये इंसान ने बोला हुआ कि हमको इकट्ठा एक घर खरीदना चाहिए, इकट्ठा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम इकट्ठा काम स्टार्ट करेंगे तो ओपनली हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, हम दोनों की जो आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी जो फाइनेंशियल परिस्थिति है वो स्ट्रांग होगी। ये इंसान जो है आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनके इरादे आपके लिए यही है कि इनके एक्शन से जो है आप देखोगे कि ये इंसान आपके लिए केयर करते हैं, और ये कैसा केयर है, ऊपर वाली, फॉर आपके इंसान को ना ऊपर वाली जो बातें हैं कि आई लव यू बोल देना या रोजेस दे देना, ये सब चीजें, रोमांटिक चीजें जो हैं उनको ये समझता नहीं है। उनको जो है प्रैक्टिकल टैंजिबल चीजें कि आप देखो मेरे एक्शंस क्या थे, मैंने आपके लिए क्या किया है। और आपके इंसान के इरादे यही हैं कि आगे जाके जो है आपको वो एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक अश्योरेंस देना चाहते हैं, गारंटी देना चाहते हैं कि मेरी ये हरकत से आपको भरोसा होगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ। फॉर सम ऑफ यू ऑल राइट नाउ आपकी ऐसी एक एनर्जी हो सकती है, लेट मी जस्ट चेक इफ आई एम राइट, आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आपको ये इंसान पे भरोसा नहीं है, बिकॉज ये इंसान जो है पेज ऑफ वंड्स, द हर्मिट एंड द सोर्स। यस, आपकी एनर्जी यही है कि आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप खत्म होना चाहिए, बिकॉज आपके इंसान जो है वो हर्मिट की एनर्जी में है, वो बहुत चुप हो जाते हैं। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आप गुस्सा होके अपनी मन की बात, मन की भड़ास जो है फ्रस्ट्रेट होके आपके पार्टनर को बोल देते हैं, तो आपकी बात को समझ के उसका रिप्लाई देने के बजाय आपके इंसान बिल्कुल चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि आपसे कैसे बात करना है। तो राइट नाउ आपकी एनर्जी यही है कि आप ये रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा बचपना नहीं मैं कह सकती, बट यू वांट अ यंग रिलेशनशिप। बाहर जाएंगे, डेट पे जाएंगे, ड्राइव पे जाएंगे, बाहर कॉफी पीने जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, आप मेरे लिए छोटा मोटा गिफ्ट लाओ, मैं आपके लिए गिफ्ट लाऊंगी, तो आप जो है ये रिलेशनशिप चाहते हैं ये इंसान से। लेकिन आपके इंसान जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एनर्जी में है, और
इसीलिए जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आपके इंसान वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आए, या आपको जो है इक्वल टाइम अटेंशन दे जो मे बी ये इंसान नहीं दे रहे हैं। ये इंसान के इरादे हमने देखे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट 10 डेज में आप लोगों के बीच में क्या होगा। जो भी स्टक एनर्जी थी, हैंगमैन वाली एनर्जी थी कि छोड़ दो, बात नहीं करना है, देखी जाएगी, ये इंसान ने अपना पावर वापस ले लिया था। आई हैव द एम्परर द मैजिशियन, 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद एम्परर और मैजिशियन है। ये इंसान जो है अपने कंट्रोल में आएंगे, आपको बोलेंगे कि जो हो गया है, मे बी आपको इनके बारे में कुछ पता लगा है, आपके लाइफ में कुछ उथल पुथल हुई है, जो भी है, ये इंसान आपको बोलेंगे कि वो जो लाइफ का मेरा एक फेस था, वो मुझे करना था, वो मैंने किया, अब मैं यहाँ हूँ और अब हम जो है ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। आपके इंसान गिव अप करने वाली एनर्जी में नहीं है। अगर राइट नाउ आपको लगता है कि ये इंसान चुप है तो मे भी मेरी तरफ आएंगे या नहीं, अगर बाकी की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है, देर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, चीजों को फिर से अपने कंट्रोल में लेंगे और ये रिलेशनशिप को आगे जरूर जरूर लेके जाएंगे। मैजिशियन की एनर्जी मैनिपुलेशन की भी एनर्जी होती है। जो करना है, व्हाट एवर इज नीडेड टू डू, जो एडजस्टमेंट, जो ऊपर नीचे, जो मैनिपुलेशन करना है, व्हाट एवर इज नीडेड, ये इंसान वो करके आपकी तरफ जरूर आएंगे। ऑल राइट, ये रिलेशनशिप के लिए आपके लिए एडवाइस क्या है और उनकी तरफ से जो है हम उनके मैसेजेस भी देखेंगे। व्हाट इज योर एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स? रीबिल्ड, आपको जो है ये इंसान रीबिल्ड है ना। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप की नींव टूट गई है या रिलेशनशिप में कुछ है या नहीं, तो एनर्जी यहाँ पे रीबिल्ड रीबिल्ड की है। आपका जो हार्ट चक्रा है उसको आपको फिर से हील करके ये इंसान को मे बी एक चांस देने की जरूरत है। लेकिन अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब एम्परर की एनर्जी आती है तो बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी होती है। ये रीडिंग है ठीक है, लेकिन अगर आपका इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग आपको बताता है कि नहीं, ये इंसान बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत डिमांडिंग है, आपको अनकंफर्टेबल करते हैं उनके एक्शन से, आपको रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स दिखते हैं, तो प्लीज आपके दिमाग की सोचे और फिर आगे जाए। लेकिन एनर्जी यही है, यहाँ पे रीबिल्ड की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यू विल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है कि यू आप जो है खुद को भी एक ऐसी एनर्जी में लाएं कि आगे जो आपके सामने जो इंसान है वो कैसा है उसको सच्ची आंखों से देखे। उसको आप बदल नहीं पाओगे, जो आपके पार्टनर है, यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू चेंज देम, उनको आप नहीं चेंज कर पाओगे। तो आपको जो है उनको एक सच्ची नजर से देखना है और जैसे वो इंसान है क्या आप उनको वैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू चेंज देम, आप उनको नहीं बदल पाओगे। तो जो एनर्जी है वो एनर्जी में जैसे वो है वैसे आप उनको देख सकते हैं। तो रीबिल्ड की एनर्जी है, चीजों को फिर से बिल्ड करो, फिर से जोड़ो, वो वाली एनर्जी है। जस्ट ब्रीथ, रिलैक्स, है ना। सम थिंग्स यू कैन नॉट चेंज, कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप नहीं चेंज कर पाते, जिसको आपको यू हैव टू गो विद द फ्लो, है ना। जितना आप ब्रीथ करोगे उतना आप रिलैक्स करोगे। तो एक एनर्जी है यहाँ पे जहाँ पे मे बी आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं और डिवाइन आपको यही कह रहा है कि गो इनवर्ड, ब्रीथ करें, खुद को काम करें, एंड जितना आप शांत रहोगे, जितना आप सेटल्ड फील करोगे, उतनी क्लैरिटी से जो है आप ये सिचुएशन को देख पाओगे और समझ पाओगे। एंड देन वी हैव हील, है ना। एक ऐसी एनर्जी है, देखो रीबिल्ड है, जस्ट ब्रीथ एंड हील। अगर ये इंसान के पास एक्शन से आपको दर्द हुआ है, दुख हुआ है और ये इंसान अब आपकी तरफ आएंगे, तो आपने जो है अपने बारे में सोचना है। इफ यू आर नॉट रेडी टू टेक दिस पर्सन बैक, यू कैन ऑलवेज से नो।
प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, है ना, आपको चूज करें, आपकी खुशी को चूज करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इंसान सच्चा है, सच में प्यार करता है, वो भी अपने हालातों के कारण मजबूर है, एंड मे बी अगर आप उन पे भरोसा करते हैं तो यू कैन गो अहेड विद दिस पर्सन, बिकॉज उनकी एनर्जी जो है आपके लिए काफी पॉजिटिव है। यस, एम्परर की एनर्जी है, एम्परर की जब एनर्जी आती है तो किसी के सामने झुकते नहीं है। लेकिन ये इंसान सच में जो है, इनका इनकी सुई आप पे आके अटकी है। आई डोंट थिंक ये इंसान के दिमाग में अब ऐसा है कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, उसके बाद मे बी उनके लाइफ में और कोई नहीं चाहिए है उनको, तो यू आर प्रोबेबली द वन फॉर योर पार्टनर राइट नाउ। उनकी एनर्जी आपके लिए, मैसेजेस उनके आपके लिए क्या है? आई नीड सम टाइम अलोन, अ टेम्पररी सेपरेशन इज नीडेड राइट नाउ। जैसे स्टार्ट में आया था कि ये इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण वो आपको अब समय नहीं दे पा रहे हैं। कॉल मी, आई विल आंसर, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल इनफ टू इनिशिएट कॉन्टैक्ट। फॉर सम ऑफ यू ऑल दिस पर्सन इज वेटिंग दैट यू गो टू देम एंड यू टॉक टू देम। इट इज़ टाइम फॉर अस टू बी टुगेदर, वी कैन रिजॉइस, है ना। मल्टीपल मैसेजेस हैं अलग अलग लोगों के लिए। आप जो है ये इंसान को थोड़ा सा टाइम दे। राइट नाउ ये कहीं पे बिजी है, लेकिन ये आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यूल, अगर आपने इनको ब्लॉक किया तो मे बी यू शुड अनब्लॉक देम। फॉर सम ऑफ यूल ये इंसान जो है एक ऐसी एनर्जी में है, सम ऑफ यूल की ये चाहते हैं कि आप उनको कुछ ना कुछ हिंट दीजिए कि मे बी आप दोनों को इकट्ठा साथ आना है, और वो इंसान जो है आपके पास फिर से आएंगे। अ बॉन्ड इज डिवाइन एंड अनब्रेकेबल। इनको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ लगता है जो इन्होंने किसी के साथ नहीं देखा है। तो आई थिंक ओवरऑल ये इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है कि जो भी मेरी परिस्थिति है, वो परिस्थिति को आप एक्सेप्ट करें, उनको एक्सेप्ट करें, उन पे भरोसा रखें, बिकॉज इन ड्यू टाइम उनके इरादे यही हैं कि वो आपको एक ऐसी सिक्योरिटी दें, एक कुछ आपके लिए ऐसा करें कि आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं, ये इंसान सच में आपको उनकी लाइफ में चाहते हैं। दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशन हाई। वॉट यू फोकस ऑन इज वॉट यू गेट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।